डिस्टर्ब ही उठी हूँ। मेरी टी शर्ट क्यों डाली तूने? जा ना तू। मेरे को मैंने वो कंप्लीट किया तो मैं लेट सोई थी, एडिटिंग कर ही नहीं पाई मैं। 8 बजे जा रहा था और अब बहुत लेट हो गया, 10 बजे उठ रहा था क्योंकि कर दिया था इस चैनल के लिए, तो हमने पहले ही मतलब शेड्यूल कर देते हैं वीडियो। तो मम्मी के पास चलते हैं, सपने में मम्मी घूम रही थी अभी मम्मा के पास चलते हैं, ठीक है। आज मम्मा ने कुछ बनाया है, ढोकला शायद या लो आगे आगे ढोकला है ना मम्मा, ये मम्मा ने बनाया ढोकला मेड बाय मम्मी। क्या खाऊंगा? गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है इसके, गर्दन में बहुत दर्द। गर्दन दबा दो, गला थोड़ी ना जो हंस रहे हो यार, कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो खाने का भी मन नहीं करता। मत खाओ तो, मैं खा लेती हूँ। नहीं, ये सुंदर लग रहा है पापा जी मुझसे गुस्सा है इसलिए क्योंकि मैं रोज लेट सोती हूँ। रात में जगती है, काम उल्टा भी तो कर सकती है। रात में टाइम से सो, दिन भर तू काम कर, हम घर के किसी काम की नहीं कहेंगे। 2-3 घंटे यही तो पूछो कि ये घर का भी क्या काम करती है। रात में जगने से कहने में स्वास्थ्य भी खराब होता है और ना ही कोई इसका सारा दिन का भी रूटीन भी खराब होता है। दिन में रात को मेरा काम शांति से आराम से होता है। शांति से हम लोग क्या कहते हैं, तेरे से नीचे कमरा बंद करके तो दिन में भी शांति से कर ले। कमरा बंद तो रखते हैं तब भी, जब तू सोती है तब भी तो कमरा बंद। अब तू 10:30 बजे ऊपर आई है, बल्कि 11 बजने वाले हैं। अब तू नाश्ता करके नहा धो के 12-12:30 बजे जाके तू फिर सो जाएगी, क्योंकि रात भर तू सोई नहीं है। नहीं सोऊंगी, सोई थी मैं रात को 2 बजे सोई थी। तो रात कहते हैं दो स्कूल जाना हो ये जाना हो तब तो चलो, ये कि तुझे रात में काम करना पड़ रहा है तो क्या कर। अभी है ना सड़ाने के लिए नहीं है, और चाय ठंडी करके पीनी है तो फ्रिज में रखी आओ। ओ मेरा ढोकला, कितनी बुरी कंडीशन चल रही है यार, देख के भी डर लगता है। हमारी लाया गया सीबीआई का। सुजाता दीदी आ चुकी है और श्रुति जी अब नहाने जाएगी। सुजाता यही डायलॉग रिपीट करेगी और अभी आपको शर्म नहीं आती? आप कब उठे? थोड़ी देर पहले उठ के बस नाश्ता किया है। 10:30 बजे नहीं, एक बात बता, मैं बात है गलती करती हूं। क्लास इसके लिए नहीं, इसके आराम आराम से नहीं, इसके पापा क्या नाम है, गुस्सा हो रहे हैं। अभी घर में रहती है, वो वॉल पेंटिंग जब किसी को दिखानी है या कोई आ रहा है जो उसको ये रात में करनी जरूरी है, सारा दिन में तुम घर के सर के घर पे करके आए तो ये आराम कर सकती थी। नहीं सवेरे टाइम से उठे और सारा दिन ये अपना काम करे, हम इसे मना करते हैं क्या? नहीं, सारा दिन सोएगी रात में काम करेगी तो उसका उल्टा नहीं कर सकती। अब क्या इसको कहीं जाना है क्या? चलो स्कूल जाना होता है तब तो ये अपना रात में वर्क करे। क्या करूं जब थकोगे सिर में दर्द ना, तुम दिन का काम कर पाओगे ना रात का कर पाओगे इस तरीके? करेक्ट। मैं ऊपर से बीमार पड़ोगे वो अलग से, मैं काम इसका मुंह नहीं सूझ रहा है। हाँ सूझ रहा है आज, बिल्कुल चाइनीज बिल्ली, इसका मुंह सूझा, ये चाइनीज बिल्ली लग रही है क्या यार इतने सारे कपड़े निकाल रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं यार। पहनती हूँ ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। और दो टॉप मैंने निकाले थे, दो उधर पड़े हैं, वो एक वो रहा, एक तो वो रहा। इसको पहन ले। पहन रही हूँ ये जम सूट, मैं एक दिन पहन के गई थी इंस्टीट्यूट पे यार, मेरा दिमाग खराब हो गया था, सारा रास्ते ऐसे घूम रहा था और लोग मुझे सच्ची में चाइनीज समझ रहे थे। अरे ये नीचे चल रहा था। आगरा में पहनोगे? हाँ ये मैंने आगरा में पहनने के लिए रखा हुआ है। ये लोग ऐसे कह रहे थे चाइनीज लेते हैं। गुड मॉर्निंग पीकू, गुड मॉर्निंग भालू, एक आंख वाला भालू। हाँ चल, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो तो बोल दो, हेलो कैसे हो? अरे मैं भी ठीक हूँ, देखो
ये भी तो गंदा ही, दो पत्तियां गई अभी ठीक से नहीं। अब बता सच्चाई में प्लेट क्या क्या करती हो यार? वाह सुजाता, ओ भाई कहाँ तक पहुँचेगी? कब नारी है? दूसरी साइड में टेढ़ा। देख लो। अब बात सुनो। अब आप तीन। अब आप पे स्टैंप लग चुकी है TCL आठ। वो देख। अब आप TCL आठ ग्रुप के भाग जाना से। तो ऐसे मस्ती करते हैं हम तीनों जब भी साथ होते हैं। और ये पेंटिंग आज हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, कैसी लग रही है? मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड काफी ज्यादा शाइन कर रहा है। पूरी नहीं हुई अभी, बहुत सारा रहता है। क्या आउटलाइन तो करनी है? नहीं, और भी बहुत कुछ रहता है सर करनी है। हाँ, वो सर जो हाईलाइट होंगे वो सर करेंगे, क्योंकि सर के घर की वॉल है तो सर इसको। हाँ, क्योंकि सर बहुत अच्छा वर्क करते हैं उनके। मैं आपको कुछ वर्क दिखाती हूँ एकदम उनके उनके ना आर्ट वर्क के अंदर है ना, उनके आर्ट वर्क में मैजिक है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो। ये ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल है, ये राजस्थानी पेंटिंग है। देखो ये ट्रेडिशनल आर्ट है, ये झरोखा है, कोई कह सकता है ये हैंडमेड है। और ये 12th क्लास में बनाया सर ने। ऐसे ही ओपन होता है, एंड ओपन होता है तो अंदर की तरफ मिरर होता है, या फिर अपनी कोई भी फोटोग्राफ वगैरह लगा सकते हैं। ना ज़्यादा भी हमारे आर्ट वर्क में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यस सर, व्लॉग में डाल दिया मैं कहूँगा अभी मैंने सुनी है कि जिसने श्रुति आकाश दीपक और सुजाता को हम सब आर्टिस्ट ने मिलकर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, जो बारे में आज कॉमी को लेकर ईशन है हमारा कि विश्व में शांति बनी रहे। तो इस वॉल आर्ट के थ्रू हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, वी एंड आवर टीम। थैंक यू। वो बंधु रह गया पीछे। आगे हम मैं आकाश और सुजाता को भी घर ले आई आज तो बहुत दिन बाद। नीचे आओ दोनों। अब उस काम को पूरा। नमस्ते पापा जी। हेलो। पहले हाथ धो के अपने सैनिटाइज करके आई हूँ नीचे से अभी। आगे 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 आगे। कैसे हो? पहलवान से आई हुई लग रही है। हेलो हैंडसम बॉय। ये हैंडसम है? बेइज्जती कर रही है मेरे। नहीं हो। ऐसा भी नहीं था। इसका मतलब अगर तेरी बाइक से इसने अपने पीछे से स्कूटी को धक्का लगाया है। चल रही थी कितने दिन बाद मिले मैं पहलवान। और क्या कहती है, प्यार से पालते हैं। तू से जा रहे हो? हाँ, देखो देखो यार ये पक्का कर लियो यार। आउच। बाय बेटे। शेक ले क्या बच्चे के लिए। देखो फिर एम्बुलेंस आ रही है। सारा दिन एम्बुलेंस जाती रहती है हमारे घर के सामने से। वो
वो मैं क्या मन से सुंदर नहीं हूँ ये बताओ ये हमारा सनसेट सामने दादाजी दादाजी नमस्ते ज्यादा देख